सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई, और इसका सीधा मतलब यह कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल होगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा, गुजरात हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई। एक तरह से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं, सेशंस कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं, और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, सजा पर रोक लगा दी गई। और जो अधिकतम सजा इस मामले में दी गई थी उसका जिक्र करते हुए कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने आरपी एक्ट का ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बड़ी राहत की खबर है ये राहुल गांधी के लिए। कुमार, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट। फैसला आया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे लेकर राहुल गांधी के मुखौटे लेकर यहां पहुंच गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद है, कांग्रेस के संगठन महासचिव यहां पहुंच गए। क्या कहेंगे राहुल गांधी के चुनाव में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, राहुल गांधी ने हमेशा कहा है डरो मत, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। ये राहुल गांधी की जीत है, ये देश के एक 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 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है। इस देश में जिस तरह तानाशाही बीजेपी ने की, जिस तरह राहुल जी की आवाज को लोकसभा में चुप करने की कोशिश की, न्यायालय ने उनको फ्रीडम दी है। आने वाले दिनों में राहुल जी इस देश के किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की आवाज लोकसभा में आवाज को दबाया नहीं जा सकता है राहुल जी की। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है देश के हित में, कांग्रेस के हित में, पार्टी के हित में। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल यहाँ पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। 3 बजे मैं आपको बता दूं, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु की बैठक के लिए कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे। उस वक्त इंतजार रहेगा राहुल गांधी के की प्रतिक्रिया का इस पूरे मामले पर।